हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बर्जर पेंट्स इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये स्टॉक भी बहुत अच्छे चैनल फॉर्मेशन में है, और चैनल की अगर आप बात करें तो स्टॉक चैनल से बाहर नहीं जा रहा है, बट एक आगे की तरफ ही बढ़त बना के रखे हैं। आपको भी देखने में मिल रहा होगा कि स्टॉक ने कल की बात करें अगर तो स्टॉक ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाया 18 सितंबर को, और 3% की बढ़त में ही पूरा ये कैप्चर कर लिया यहाँ से पूरा मूव। तो आप देखोगे कि स्टॉक बाहर नहीं जा रहा है, बट धीरे धीरे करके ऐसे करके एक अपवर्ड मोमेंटम स्टॉक कैप्चर करता जा रहा है। तो ये स्टॉक भी ऐसे भी चलते हैं और ऐसे ही स्टॉक लॉन्ग टर्म का डिस्टेंस कैप्चर करते हैं। बिकॉज अभी आप देखोगे तो ऊपर से अगर पाओगे तो ऑल टाइम हाई स्टॉक में बहुत समय है, और उस हिसाब से स्टॉक अभी 15% डिस्काउंट पर मिल रहा है आपको। तो अभी की बात कर लें अगर स्टॉक की, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये एक सेलर्स का एरिया है इनका, और इसी जोन से एग्जैक्ट रिवर्सल्स आए, और दो बार ऑलरेडी रिवर्सल्स हो चुके हैं। एक ये है और दूसरा ये है, और नीचे के ये लेवल है इनका बायर्स का। ये अभी का नहीं है, पहले भी यहीं से बाइंग आ रही है, और जब जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के करीब आएगा, नीचे वाली ट्रेंड लाइन के करीब, यहीं पूरे बायर्स इनके एक्टिव रहते हैं और यहीं से एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है, और ऊपर की तरफ इनका स्ट्रेंड लाइन पे सेलर्स एक्टिव हैं। तो आपको बस एक ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अगर आप एक जोन को पकड़ना चाहते हो तो इस चैनल को पकड़ लो। आपने अगर चैनल पकड़ लिया तो ये जोन, दोनों जोन आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि आपको यहीं बाइंग करनी है और यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग करनी है। आपको शॉर्ट करके काफ़ी कमा लोगे, जितना इसमें लॉन्ग टर्म का डिस्टेंस करके नहीं कमा पाओगे, बिकॉज वहाँ थोड़ा ही स्लगेस हो जाएगा। बट अगर आप नीचे से ऊपर की ही एक पोटेंशियल बना के रख लो, तो ऐसे ही करके गिरने और उतरने पर स्टॉक को आप आराम से 7 से 8% का रिटर्न्स ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो सिमिलर सिंपल ही चलते हैं, ज़्यादा कुछ में कुछ रहता नहीं है। और अभी की बात कर लें तो 22 सितंबर के अराउंड स्टॉक में आप देखोगे स्प्लिट भी है 6/5 का। तो ये स्प्लिटेंस के दिन में भी एकदम से सडन भाग भी सकता है। तो यहाँ अगर ब्रेकआउट देता है स्ट्रेंड लाइन का तो अच्छा निकलना चाहिए। तो फिर आपको इधर पर आपको जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 780 और 800 के टारगेट तक स्टॉक जा सकता है। और अगर स्प्लिट वाले दिन स्टॉक कहीं ना कहीं फॉल रहेगा तो फिर आपको स्ट्रेंड लाइन तक आते हुए दिखेगा, यहीं फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। बिकॉज स्प्लिट आने पर ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक आगे जाए, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन रहता है और ऑपरेटर्स ही मार्केट चलाते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो किस दिशा में स्टॉक जाएगा ये उसी दिन पता चलेगा। बाकी तो स्टॉक सही चल रहा है, कोई वजन कमी नहीं है, और रिसेंट नतीजे जो स्टॉक के आए थे वो भी सही रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि स्टॉक के जो एस्टिमेट थे 3.322 बिलियन के, ये इससे ज़्यादा ही था। एस्टिमेट इनका 3.3 बिलियन का था और रिपोर्टेड इनका 3.65 का रहा है, और सेम एज इन रेवेन्यू में भी इनको प्रॉफिट हुआ है। तो सही है इनका, अभी आपके देखो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सही चल रहा है स्टॉक। डिविडेंड भी आ गया 3.2 रुपीज़ का, तो नो डाउट इन डेट अच्छा चलने वाला स्टॉक लॉन्ग टर्म है। ऊपर की दिशा में भी बहुत लंबा समय है, बिकॉज ऑल टाइम हाई इसका 800 के ऊपर ही है, तो वहाँ तक पहुँचेगा स्टॉक। बस थोड़ा साथ अगर निफ्टी देता रहे तो बर्जर पॉइंट्स को पहुंचने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।